बच्चों, तिवारी एकेडमी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम अध्याय 15 आलेखों से परिचय, इसकी प्रश्नावली 15.1 करेंगे। प्रश्न एक, इसमें दिया है, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह एक आलेख दिया गया है। यह आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। बच्चों, इस आलेख को हमें समझना है और समझकर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बच्चों, यह प्रश्न भाग एक, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था? भाग बी, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था? भाग सी, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, ये दो समय क्या-क्या थे? भाग डी, 1:30 बजे रोगी का तापमान क्या था? इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे? भाग ई, किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है? बच्चों, पहले हम इस आलेख को समझ लेते हैं। बच्चों, यह जो आलेख दिया गया है, यह किसी अस्पताल में भर्ती हुए रोगी का तापमान बताता है। बच्चों, एक्स अक्ष पर समय को दर्शाया गया है। यह बच्चों समय 9 बजे प्रातः, 10 बजे प्रातः, 11 बजे प्रातः, 12 बजे दोपहर, 1 बजे दोपहर, 2 बजे दोपहर, 3 बजे सायं। तो प्रातः 9 बजे से लेकर सायं 3 बजे तक का समय एक्स अक्ष पर बच्चों दिखाया है। वाई अक्ष पर बच्चों तापमान दिखाया गया है। यह तापमान सेल्सियस में दिखाया गया है, 34, 35, 36, 37, 38, 39। बच्चों, यह तापमान वाई अक्ष पर दिखाया गया है। बच्चों, इस आलेख में पैमाना माना गया है। यह पैमाना एक्स अक्ष पर बच्चों हम यह दूरी देख रहे हैं, 2 इकाई की दूरी बच्चों यह 1 घंटा दर्शाती है, क्योंकि सभी समय अंतराल एक-एक घंटे के हैं और यहाँ पर यह सभी 2 इकाई की दूरियां हैं, इनको 1-1 घंटे से दर्शाया है। तो बच्चों, पैमाना एक्स अक्ष के लिए 2 इकाई बराबर 1 घंटा है, और वाई अक्ष पर हम देख रहे हैं 34 के बाद 35 है, फिर 36 है, फिर 37 है, 38, 39। यह सभी तापमान का अंतर 1-1 डिग्री सेल्सियस का है, और बच्चों 2 इकाई की दूरी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्शाया गया है। यह पैमाना लिया गया है। मूल बिंदु की बच्चों बात करें तो बच्चों यहाँ पर यह मूल बिंदु है और यहाँ पर यह एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होनी चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी रेखा दोनों अक्ष पर होनी चाहिए, एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर, क्योंकि अगर यहाँ वाई अक्ष के लिए शून्य से शुरुआत करें तो बच्चों यहाँ पर यह टेढ़ी मेढ़ी रेखा यह काफी बड़े अंतराल को दर्शाती है, क्योंकि बच्चों यह बिंदु आप देख रहे हैं, यह बिंदु 34 है बच्चों, यह 35 है, यह 36 है, यह 37 है, यह 38 है, और बच्चों यह 39 है। तो बच्चों शून्य और 34 के बीच में यह टेढ़ी मेढ़ी रेखा यहाँ हो सकती है। इसी तरह से यहाँ पर समय अंतराल के लिए यह टेढ़ी मेढ़ी रेखा हम दिखा सकते हैं। 9 बजे प्रातः से बच्चों यहाँ पर बिंदु शुरू किया गया है एक्स अक्ष पर। इसके बाद यह 2 इकाई दूरी के बाद दूसरा बिंदु 10 बजे प्रातः, यह बिंदु 11 बजे प्रातः, यह बच्चों 12 बजे प्रातः, यह बिंदु 1 बजे दोपहर, यह बिंदु 2 बजे दोपहर, और बच्चों यह बिंदु 3 बजे सायं, इस समय को दर्शाता है। अब बच्चों रैखिक आलेख पर बिंदुओं की बात करें, इस रैखिक आलेख पर हम देख रहे हैं कि यह पहला बिंदु है बच्चों, यह दूसरा बिंदु, यह तीसरा बिंदु, यह चौथा बिंदु, यह पांचवा बिंदु, यह छठा बिंदु, यह सातवां बिंदु। क्रमागत बिंदुओं के बीच बच्चों यह रेखा खींची गई है। तो ये रेखाखंड मिला के क्रमागत बिंदुओं को खींचा गया है।
रेखाखंड बनाया गया है, रेखाखंड खींचा गया है क्रमागत बिंदुओं को मिला के, और यह सभी रेखाखंड एक रैखिक आलेख यहाँ पर बना रहे हैं। तो बच्चों यह रैखिक आलेख है जो कि समय और तापमान के बीच का संबंध बताता है। किसी रोगी का किस समय पर तापमान क्या था, यह बच्चों यह आलेख बताता है। अब बच्चों अगर इस बिंदु की बात करें, इस बिंदु से हम नीचे जाते हैं तो नीचे जाने से यानी वाई अक्ष के समांतर जाने से एक्स अक्ष पर यह 9 बजे प्रातः इस बिंदु पर मिलता है, और बच्चों अगर हम एक्स अक्ष के समांतर चलें बाई तरफ तो यह बच्चों वाई अक्ष पर इस बिंदु पर मिलता है, और बच्चों यह बिंदु 35 और 36 के बीच में है। तो इसका मतलब बच्चों यह 35 धन 36/2 मतलब यह 35.5 होगा। अब बच्चों इस बिंदु की बात करें, यह बिंदु x अक्ष पर 10 बजे प्रातः बताता है और y अक्ष पर बच्चों यह 36 डिग्री सेल्सियस बताता है। अब बच्चों अगले बिंदु की बात करें, यह बिंदु x अक्ष पर बच्चों 11 बजे प्रातः बताता है और बच्चों वाई अक्ष पर 39 डिग्री सेल्सियस इस तापमान को बताता है। अगले बिंदु की बात करें, यह बिंदु बच्चों एक्स अक्ष पर 12 बजे दोपहर बताता है और वाई अक्ष पर बच्चों यह 38 और 39 के बीच का तापमान बताता है जो कि 38.5 है। तो यह 38.5 डिग्री सेल्सियस को बताता है। अगले बिंदु की बात करें, यह बिंदु बच्चों 1 बजे दोपहर बताता है एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर बच्चों 36 और 37 के बीच का तापमान बताता है, मतलब 36 धन 37/2 यह 36.5 डिग्री सेल्सियस बताता है। बच्चों अगले बिंदु की बात करें, अगला बिंदु और यह बिंदु दोनों मिलके एक एक्स अक्ष के समांतर रेखा बनाते हैं। यह समांतर रेखा बताती है कि तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती 1 बजे और दोपहर 2 बजे के बीच में, दोनों समयों और इसके बीच में इस दौरान तापमान समान रहता है, यह बच्चों 36.5 रहता है। तो बच्चों यह बिंदु दोपहर 2 बजे बताता है और तापमान 36.5 बताता है। अब हम अंतिम बिंदु की अगर बात करें, यह बिंदु बच्चों 36 अक्ष पर 3 बजे सायं यह समय बताता है और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर वाई अक्ष पर बच्चों यह 37 डिग्री सेल्सियस इस तापमान को बताता है। बच्चों हमने आलेख को समझ लिया है, अब हम यह जो कुछ प्रश्न दिए हैं इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। बच्चों भाग ए में पूछा गया है, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था? बच्चों यह हमें आलेख को देखने से ज्ञात होगा। बच्चों 1 बजे यहाँ पर पूछा गया है, 1 बजे दोपहर का समय है, तो इसको हम एक्स अक्ष पर देख लेते हैं। 1 बजे दोपहर बच्चों यह यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है, यह 1 बजे दोपहर को बताता है। अब हम बच्चों इस बिंदु से ऊपर की तरफ चलेंगे यानी वाई अक्ष के समांतर चलेंगे, तो यह इस बच्चों जो रैखिक ग्राफ यहां पर दिया गया है इस बिंदु पर जाके मिलता है, और बच्चों इससे हम अब एक्स अक्ष के समांतर वाई ओर चलेंगे तो बच्चों यह यहाँ इस बिंदु पर वाई अक्ष पर मिलता है। बच्चों यह बिंदु वाई अक्ष पर बताता है कि जो तापमान है वो 36.5 डिग्री सेल्सियस है। तो बच्चों इसका मतलब 1 बजे दोपहर का जो 1 बजे है इस समय पर तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे भाग ए के लिए, 1 बजे दोपहर रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था। बच्चों अब हम भाग बी करते हैं। भाग बी में पूछा गया है, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था? अब बच्चों वाई अक्ष पर क्योंकि तापमान दिखाया गया है तो वाई अक्ष पर हम 38.5 कहाँ पर है, किस बिंदु पर है बच्चों यह देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि वाई अक्ष पर यह बिंदु है 38.5 डिग्री सेल्सियस।
अब बच्चों हम इस बिंदु से दाईं तरफ एक्स अक्ष के समांतर चलेंगे तो बच्चों हम पाते हैं कि एक्स अक्ष के समांतर चलने से यह इस रैखिक आरेख को बच्चों इस बिंदु पर जाके मिलता है। इस बिंदु से बच्चों वाई अक्ष के समांतर नीचे की ओर चलेंगे तो बच्चों यह जाके एक्स अक्ष पर इस बिंदु पर मिलता है और यह बिंदु बच्चों एक्स अक्ष पर 12 बजे दोपहर को दर्शाता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि दोपहर 12 बजे जो तापमान था यह 38.5 डिग्री सेल्सियस था। तो बच्चों भाग बी का उत्तर दोपहर 12 बजे रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस था यह होगा। अब बच्चों भाग सी करते हैं। भाग सी में पूछा गया है इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार 1 समान ही था, ये 2 समय क्या क्या थे? तो बच्चों एक्स अक्ष के समांतर हम देखते हैं कि एक सीधी रेखा यहाँ पर दर्शाई गई है जो कि एक्स अक्ष के समांतर है। बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि यह जो एक्स अक्ष के समांतर रेखा इसको हम देख रहे हैं कि इस पूरे अंतराल के दौरान यह तापमान समान था और यह जो तापमान था बच्चों यह 36.5 डिग्री सेल्सियस था। अगर हम बच्चों इस बिंदु से नीचे जाएं एक्स अक्ष पर यह 1 बजे मिलता है और इसका जो अंत बिंदु है ये जो समांतर रेखा है इसका शुरू बिंदु ये है, अंत बिंदु ये है और इस अंत बिंदु से नीचे की तरफ जाने पर बच्चों यह एक्स अक्ष पर 2 बजे पर मिलता है। तो 1 बजे और 2 बजे के बीच में यह समांतर रेखा दर्शाई गई है। इसका मतलब 1 बजे और 2 बजे के बीच का समय ऐसा था इस अंतराल में तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था, यह समान था। तो बच्चों भाग सी का उत्तर दोपहर 1 बजे और 2 बजे रोगी का तापमान 1 समान ही था। बच्चों भाग डी करते हैं। इसमें दिया गया है 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे? 1:30 बजे का मतलब बच्चों 1 बजे और 2 बजे के बीच का समय। तो यह बच्चों यहाँ पर हम एक बिंदु दर्शा लेते हैं, यह बिंदु 1:30 बजे को दर्शाएगा। तो बच्चों इस बिंदु से हमें वाई अक्ष के समांतर ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा। तो बच्चों ऊपर की तरफ जाने से यह इस आरेख को इस बिंदु पर बच्चों काटता है। अब बच्चों इस बिंदु से अब हम एक्स अक्ष के समांतर चलेंगे। समांतर चलने से वाई अक्ष पर बच्चों यह इस बिंदु पर काटता है और यह बिंदु बच्चों 36.5 डिग्री सेल्सियस को दर्शाता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि 1:30 बजे रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था। और बच्चों यह इस निष्कर्ष पर हम कैसे पहुंचे, क्योंकि दोपहर 1 बजे और 2 बजे के बीच हमने देखा कि रोगी का तापमान स्थिर था। यहाँ पर हमने यह पहले से ज्ञात कर लिया है 1 बजे और 2 बजे के बीच में एक सीधी रेखा बच्चों हमें प्राप्त होती है आरेख को देखने से। इसका मतलब 1:30 बजे का मतलब 1 बजे और 2 बजे के बीच का तापमान, यह तापमान स्थिर था और यह तापमान बच्चों 36.5 डिग्री सेल्सियस था। तो बच्चों वाई अक्ष पर देखने से ज्ञात होता है कि यह तापमान 36 और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस है। बच्चों भाग ई करते हैं। भाग ई में पूछा गया है किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। बढ़ने का मतलब बच्चों जब समय बढ़ता है तापमान भी बढ़ता है। तो यह हम देख लेते हैं। तो यह आरेख को देखने से ज्ञात होगा। बच्चों इस आरेख में हम देख रहे हैं कि 9 बजे और 10 बजे के बीच में यह हमें बच्चों एक सीधी रेखा यहाँ पर दिखाई देती है और इसको देखने से ज्ञात होता है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है बच्चों तापमान भी बढ़ रहा है। बच्चों यहाँ पर हम
अगर इन समय को देखें कि इस समय तापमान ये बढ़ा हुआ होगा, इस समय तापमान फिर ये बढ़ जाएगा, इस समय पर बच्चों तापमान यह होगा, तो यह बढ़ते हुए तापमान यहाँ पर लगातार हमें समय बढ़ने के साथ साथ मिलेंगे। अब बच्चों 10 बजे और 11 बजे के बीच भी इस रेखा को हम देख रहे हैं। बच्चों यह जो ढलान है यह धनात्मक ढलान है, समय बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ रहा है। और बच्चों 11 बजे और 12 बजे के बीच हम यह ऋणात्मक ढलान देख रहे हैं। ऋणात्मक ढलान का मतलब क्या है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तापमान घट रहा है। इसी तरह से बच्चों 12 और 1 बजे के बीच में हम ऋणात्मक ढलान यहाँ पर देख रहे हैं, यानी समय बढ़ने के साथ साथ तापमान घट रहा है। 1 बजे और 2 बजे के बीच में समय बढ़ने के साथ साथ बच्चों तापमान स्थिर है। बच्चों 1 बजे और 2 बजे के बीच यह जो ढलान है हम कह सकते हैं शून्य है, और 2 बजे और 3 बजे के बीच में बच्चों समय बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ रहा है, ढलान धनात्मक है। तो बच्चों हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच, यानी 9 से 10, 10 से 11 हम देख रहे हैं कि यह रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर सुबह 9 बजे तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस था और यह 10 बजे तक तापमान बच्चों बढ़ा है, 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा है, और 10 बजे के बाद यह तापमान फिर बढ़ते बढ़ते यह 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है 11 बजे तक। इसके बाद बच्चों तापमान घटता है, फिर घटता है, 11 से 12 के बीच में घटता है, 12 से 1 के बीच में बच्चों घटता है, 1 से 2 के बीच में स्थिर रहता है, 2 बजे के बाद बच्चों फिर से यह बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि तापमान 9 बजे से, यानी 9 बजे 35.5 था और 11 बजे तक यह बढ़कर 39 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। तो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। और बच्चों एक यहाँ पर दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है, यह भी हम लिख सकते हैं। बच्चों प्रश्न एक पूरा हो गया है, अब बच्चों हम प्रश्न दो करते हैं। चलिए बच्चों प्रश्न दो करते हैं। इसमें दिया गया है एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। बच्चों इस आलेख को समझ लेते हैं। आलेख के एक्स अक्ष पर हम देख रहे हैं कि वर्ष को दर्शाया गया है। यह वर्ष 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 इकाई बराबर एक वर्ष दिखाया गया है। बच्चों वर्ष 2002 और 2003 के बीच में हम देखें तो यह दूरी 3 इकाई है, तो 3 इकाई बराबर एक वर्ष यहाँ पर एक्स अक्ष पर पैमाना लिया गया है, और वाई अक्ष पर बच्चों बिक्री दर्शाई गई है, करोड़ रुपए में यह बिक्री दर्शाई गई है। बच्चों 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसका मतलब यह जो अंतर है 2 करोड़ का है, और 2 करोड़ को बच्चों यह 2 इकाई से दर्शाया गया है। तो बच्चों यहाँ पर पैमाना लिया गया है 2 इकाई बराबर 2 करोड़। अब बच्चों यहाँ पर जो विभिन्न बिंदुएं दिए गए हैं बच्चों, जैसे यह बिंदु है यह 2002 को दर्शा रहा है, यह बिंदु 2003 को दर्शा रहा है, यह बिंदु बच्चों 2004 को दर्शाता है, यह बिंदु बच्चों 2005 को, यह 2006 को। अगर हम वाई अक्ष पर बिंदुओं की बात करें, यह 2 करोड़ को दर्शाता है, यह 4 करोड़ को, यह बच्चों 6 करोड़ को दर्शाता है, यह 8 करोड़ को, यह बच्चों 10 करोड़ को, और यह 12 करोड़ को। अगर बच्चों इस आरेख पर बिंदु की बात करें, यह बिंदु बच्चों 2002 वर्ष और 4 करोड़ को दर्शाता है। इस बिंदु को अगर हम देखें, यानी वाई अक्ष के समांतर एक रेखा खींचें, एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा बाई ओर खींचें, तो बच्चों यह 2002 और 4 पर जाके यह रेखाएं मिलती हैं। तो इसका मतलब यह बिंदु
वर्ष 2002 को दर्शाता है और 4 करोड़ को दर्शाता है। इसका मतलब 2002 वर्ष के लिए जो बिक्री थी एक निर्माता कंपनी की, यह 4 करोड़ की बिक्री थी। अगर बच्चों इस बिंदु की बात करें, एक्स अक्ष के समांतर चलें और वाई अक्ष के समांतर चलें, तो हम पाते हैं कि यह बिंदु 2003 और इस वाई अक्ष पर यहां इस बिंदु से यह मिलती हैं। बच्चों यह जो बिंदु होगा यह 6 और 8 करोड़ के बीच का होगा, यानी कि यह 7 करोड़ यहां पर वाई अक्ष पर बिंदु होगा। इसका मतलब यह हो गया 2003 के लिए जो बिक्री है यह 7 करोड़ है। इसी तरह से बच्चों इस बिंदु की बात करें हम, यह एक्स अक्ष पर बच्चों जाके मिलता है 2004 से और बच्चों वाई अक्ष पर जाके मिलता है 6 करोड़ से। 2004 के लिए जो बिक्री है 6 करोड़ थी। इस बिंदु की अगर बात करें बच्चों, यह बिंदु अगर हम वाई अक्ष के समांतर चलें तो हम एक्स अक्ष पर पहुंच जाते हैं, 2005 पर जाके मिलता है, और अगर हम एक्स अक्ष के समांतर चलें वाई अक्ष पर जाके यह इस बिंदु पर मिल जाती है यह रेखा बच्चों, यह 10 करोड़ से जाके मिलती है। यानी 2005 के लिए निर्माता कंपनी की जो बिक्री थी यह 10 करोड़ थी। इसी तरह से इस बिंदु के लिए, यानी हम कह सकते हैं कि 2006 के लिए जो बिक्री थी बच्चों यह 8 करोड़ थी। इस ग्राफ को बच्चों हमने समझ लिया है। अब हम जो प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर देंगे। प्रश्न के भाग ए में पूछा गया है, वर्ष 2002 में वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी? भाग बी में पूछा गया है, वर्ष 2003 में वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी? भाग सी में पूछा गया है, वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था? भाग डी में पूछा गया है, किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था? बच्चों भाग ए में बिक्री पूछी गई है, वर्ष 2002 में बिक्री क्या थी और वर्ष 2006 में बिक्री क्या थी। तो बच्चों वर्ष 2002 के लिए यह बिंदु आरेख पर है और यह बिक्री बच्चों 4 करोड़ थी। इसको हम समझ चुके हैं कि इस बिंदु के लिए वर्ष 2002 और यह बिक्री 4 करोड़। और बच्चों पूछा गया है 2006 में बिक्री कितनी थी, तो बच्चों 2006 के लिए बच्चों यह बिंदु होगा और इस बिंदु के लिए वाई अक्ष पर बच्चों यह बिंदु होगा। यानी 2006 इस बिंदु के लिए बच्चों आरेख पर यह बिंदु होगा और इस बिंदु के लिए वाई अक्ष पर बच्चों यह 8 करोड़ वाला बिंदु होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2006 में जो बिक्री थी बच्चों यह 8 करोड़ थी और बच्चों 2002 में जो बिक्री थी बच्चों यह 4 करोड़ थी। बच्चों उत्तर लिख लेते हैं, भाग ए में बिक्री पूछी गई है। तो बच्चों भाग ए का उत्तर, 2002 में 4 करोड़ रुपए बिक्री थी और 2006 में 8 करोड़ रुपए बिक्री थी। बच्चों अब हम भाग बी करते हैं। भाग बी में पूछा गया है, वर्ष 2003 में और वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी? बच्चों 2003 वर्ष एक्स अक्ष पर इस बिंदु को दर्शाता है और 2005 एक्स अक्ष पर बच्चों इस बिंदु को दर्शाता है। इस बिंदु के लिए बच्चों आरेख पर यह बिंदु है और इस बिंदु के लिए, इस आरेख के इस बिंदु के लिए वाई अक्ष पर बच्चों यह बिंदु है। यह बिंदु क्या दर्शाता है? यह 6 और 8 करोड़ के बीच का यानी मध्य बिंदु है, तो यह 7 करोड़ को दर्शाएगा। तो बच्चों 2003 में जो बिक्री थी हम कह सकते हैं कि यह 7 करोड़ थी। आगे पूछा गया है, 2005 में बिक्री क्या थी? बच्चों 2005 इस बिंदु को रिप्रेजेंट करता है एक्स अक्ष पर और इस बिंदु के लिए आरेख पर यह बिंदु है और आरेख के इस बिंदु के लिए वाई अक्ष पर बच्चों यह बिंदु है। तो हम कह सकते हैं कि 2005 में जो बिक्री थी यह बच्चों 10 करोड़ थी। अब हम बच्चों उत्तर लिख लेते हैं प्रश्न का। बच्चों भाग बी में भी बिक्री पूछा गया है। तो बच्चों प्रश्न का उत्तर भाग बी का यह होगा, 2003 में रुपये 7 करोड़ बिक्री थी और 2005 में 10 करोड़ रुपए की बिक्री थी। बच्चों भाग सी में पूछा गया है, वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था?
बच्चों 2002 और 2006 की बिक्री कितनी थी, यह हम बच्चों प्रश्न के भाग ए में ज्ञात कर चुके हैं। बच्चों 2002 में जो बिक्री थी यह 4 करोड़ थी और 2006 में बिक्री 8 करोड़ थी। तो इन दोनों वर्षों की बिक्रियों में अंतर बच्चों यह 8 करोड़ ऋण 4 करोड़, मतलब यह 4 करोड़ का अंतर था। तो बच्चों इस भाग का उत्तर हम यह लिखेंगे, वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 की बिक्रियों में अंतर बराबर 8 करोड़ ऋण 4 करोड़, तो यह ₹4 करोड़ होगा। अब बच्चों भाग डी करते हैं। इसमें पूछा गया है किस अंतराल में बिक्रियों का अंतर यह सबसे अधिक था। तो बच्चों पहले तो हम यह देख लेते हैं कि आरेख पर जो बिंदु हैं बच्चों, इस बिंदु को जैसे हम देख रहे हैं, ये दो बिंदु हैं, तो इन दोनों बिंदुओं के लिए वाई अक्ष पर जो अंतर है बच्चों यह 7 ऋण 4 है, यानी 3 करोड़ का है। तो इसका मतलब 2002 और 2003 इन वर्षों के लिए यह अंतर 7 ऋण 4 3 करोड़ का है। अब बच्चों 2003 और 2004 यानी कि बच्चों इन दोनों बिंदुओं के लिए वाई अक्ष पर बच्चों यह अंतर 1 करोड़ का है। अब बच्चों 2004 और 2005 यानी इन दोनों बिंदुओं के लिए यह वाई अक्ष पर अंतर बच्चों 10 ऋण 6 यानी कि 4 करोड़ का है। और 2005 और 2006 मतलब इन दोनों आरेख पर इन दोनों बिंदुओं के लिए वाई अक्ष पर यह अंतर 10 ऋण 8 का है, 2 करोड़ का है। तो बच्चों स्पष्ट है कि इस रेखा के लिए यानी इन दोनों बिंदुओं के लिए यानी कि 2004 और 2005 के बीच इस वर्ष के लिए यह जो अंतर है सबसे ज्यादा है, यह अंतर 10 ऋण 6 बराबर 4 करोड़ का है। तो बच्चों भाग डी का उत्तर हम यह लिखेंगे, वर्ष 2004 तथा वर्ष 2005 में यह बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था और यह अंतर बच्चों ₹4 करोड़ का था। तो भाग डी में बच्चों हम लिखेंगे, वर्ष 2004 तथा वर्ष 2005 की बिक्रियों में अंतर बराबर ₹10 करोड़ ऋण ₹6 करोड़, और बच्चों यह आ जाता है ₹4 करोड़। तो बच्चों इसमें आगे हम यह लिखेंगे, वर्ष 2004 तथा वर्ष 2005 में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था। बच्चों प्रश्न दो पूरा हो गया है, अब हम प्रश्न तीन करेंगे। चलिए बच्चों प्रश्न तीन करते हैं। इसमें दिया गया है वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में, बच्चों एक विषय होता है वनस्पति विज्ञान, इसके एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में, समान प्रयोगशाला का मतलब बच्चों यह हुआ कि उसी प्रयोगशाला में दो पौधे ए और बी उगाए गए, दोनों पौधों को एक ही प्रयोगशाला में उगाया गया। बच्चों 3 सप्ताह तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। बच्चों यहाँ पर अवलोकन किया गया कि 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद उनकी ऊंचाइयाँ कितनी कितनी हो जाती हैं। तो इनको बच्चों उस परिणाम को आलेख में दर्शाया गया, परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया है। अब बच्चों यहां पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। भाग ए में पूछा गया है 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई क्या थी, पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी। भाग बी में पूछा गया है 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई कितनी थी। बच्चों इस आलेख में हम यह पौधे ए और पौधे बी दोनों के आलेखों को देख रहे हैं। बच्चों भाग सी में पूछा गया है 3रे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी। भाग डी में पूछा गया है 2रे सप्ताह के अंत से 3रे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी। भाग ई में पूछा गया है किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। भाग एफ में पूछा गया है किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। भाग जी में पूछा गया है क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी, पहचानिए। बच्चों यहाँ हम ग्राफ को समझ लेते हैं।
यहाँ पर हम दो ग्राफ देख रहे हैं, एक पौधा ए के लिए ग्राफ बच्चों यहाँ पर दर्शाया गया है, दूसरा पौधा बी के लिए यह ग्राफ दर्शाया गया है। बच्चों एक ही ग्राफ पेपर पर इन दोनों आलेखों को दर्शाया है। पौधा ए के लिए बच्चों यह बिंदुकित रेखा हम देख रहे हैं, इसको खींचा गया है बिंदुओं से बिंदुओं को मिला के, और पौधा बी के लिए बच्चों यह हम मोटी रेखा यहाँ पर देख रहे हैं जो कि लगातार खींची गई है। बिंदुकित रेखा पौधा ए के लिए है, लगातार खींची गई रेखा यह मोटी रेखा हरे रंग की बच्चों पौधा बी के लिए खींची गई है। बच्चों एक्स अक्ष पर सप्ताह यानी समय को दर्शाया गया है, यह सप्ताह शून्य यानी प्रारंभ का सप्ताह है, और यह बिंदु बच्चों एक सप्ताह बाद का बिंदु है, और यह बिंदु बच्चों दो सप्ताह बाद, यह बिंदु बच्चों तीन सप्ताह बाद, यानी यह जो अंतराल है एक सप्ताह का बच्चों यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इकाई से दर्शाया गया है। प्रारंभ का मतलब बच्चों हम यहाँ शून्य या प्रारंभ लिख सकते हैं, और यह जो अंतराल है एक एक सप्ताह का एक्स अक्ष पर जो दर्शाया गया है और इसके लिए पैमाना माना गया है 7 इकाई बराबर एक सप्ताह। वाई अक्ष पर बच्चों ऊंचाई दर्शाई गई है सेंटीमीटर में, यह ऊंचाई हम देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 यानी 2-2 सेंटीमीटर के अंतराल को यहाँ पर दिखाया गया है। 2 के बाद 4 यानी यहाँ पर हम देखें 2 के बाद यह मध्य बिंदु जो है 2 और 4 के बीच में यह 3 आएगा, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 इकाई वाई अक्ष पर यह बराबर है 1 सेंटीमीटर के, क्योंकि 2 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर, 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, यह पैमाना वाई अक्ष पर लिया गया है। बच्चों प्रश्न के भाग ए में पूछा गया है 2 सप्ताह बाद 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी। बच्चों पौधे ए के लिए हम बिंदुकित रेखा को देखेंगे, 2 सप्ताह बाद बच्चों यह एक्स अक्ष पर इस बिंदु को दर्शाता है। बच्चों इस बिंदु के लिए पौधा ए के लिए जो रेखा यहाँ पर खींची गई है, आलेख यहाँ पर खींचा गया है बच्चों, यह बिंदु है, और इस बिंदु के लिए बच्चों वाई अक्ष पर यह बिंदु होगा, और यह बिंदु बच्चों 6 और 8 के मध्य का बिंदु है, मतलब यह 7 है, 7 का मतलब 7 सेंटीमीटर वाई अक्ष पर है ये, यानी 2 सप्ताह बाद पौधे ए की जो ऊंचाई होगी यह 7 सेंटीमीटर होगी। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे 2 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर थी। बच्चों इसी भाग ए में आगे पूछा गया है 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी। अब बच्चों 3 सप्ताह इस बिंदु से एक्स अक्ष पर दर्शाया गया है, और इस बिंदु के लिए पौधा ए के लिए बच्चों यह बिंदु इस आलेख पर होगा, और इस बिंदु के लिए बच्चों वाई अक्ष पर यह बिंदु होगा जो कि 8 और 10 के मध्य का बिंदु है, यानी यह 9 है, 9 का मतलब 9 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर थी। तो बच्चों भाग ए का उत्तर हम लिख लेते हैं, भाग ए के प्रथम भाग का उत्तर यह होगा 2 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर थी। बच्चों भाग ए के द्वितीय भाग का उत्तर यह होगा 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर थी। भाग बी में पूछा गया है 2 सप्ताह बाद 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई कितनी थी। बच्चों अब हम पौधे बी के लिए यहाँ पर आलेख देख लेते हैं, पौधे बी के लिए 2 सप्ताह बाद के लिए बच्चों बिंदु यह है, और बच्चों पौधा बी के लिए बच्चों यह बिंदु है, यह बिंदु बच्चों समान बिंदु है पौधा ए और पौधा बी के लिए, और यह बच्चों यह 7 सेंटीमीटर को दर्शाता है वाई अक्ष पर। तो बच्चों 2 सप्ताह बाद पौधा बी की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर थी, और बच्चों 3 सप्ताह बाद यह इस बिंदु को दर्शाता है, और आलेख पर बच्चों पौधा बी के लिए यह बिंदु है, इस बिंदु के लिए वाई अक्ष पर बच्चों यह बिंदु है 10 सेंटीमीटर। तो 3 सप्ताह बाद पौधा बी की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी। तो बच्चों भाग बी
कि प्रथम भाग का उत्तर यह होगा। 2 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर थी। भाग दो का उत्तर यह होगा। 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी। बच्चों भाग सी में पूछा गया है, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बड़ी। बच्चों तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बड़ी, इसका मतलब यह हुआ, यानी दूसरे और तीसरे सप्ताह के अंतराल में पौधे ए की ऊंचाई में कितना अंतर था। बच्चों दूसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर थी, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर थी। तो बच्चों इसका मतलब यह हो गया, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई जो बढ़ी यह 9 सेंटीमीटर ऋण 7 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर बढ़ी। तो बच्चों इसका उत्तर हम यह लिखेंगे। अब बच्चों भाग डी करते हैं। भाग डी में पूछा गया है, दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी। बच्चों दूसरे सप्ताह के अंत में पौधे बी की ऊंचाई कितनी थी, यह 7 सेंटीमीटर थी, और तीसरे सप्ताह के अंत में पौधे बी की ऊंचाई कितनी थी, यह 10 सेंटीमीटर थी। बच्चों यह हमने भाग बी में उत्तर पहले से ही दे रखा है, तो इसका मतलब यह हो गया, दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई बढ़ी बराबर यह 10 सेंटीमीटर ऋण 7 सेंटीमीटर। इन दोनों को घटाने से बच्चों यह आ जाता है 3 सेंटीमीटर। भाग डी का उत्तर बच्चों यह होगा। बच्चों भाग ई करते हैं। अब भाग ई में पूछा गया है, किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। बच्चों पौधे ए के लिए जो हम रेखा है बिंदुकित रेखा, इसके विभिन्न बिंदुओं को देख लेते हैं। बच्चों यह बिंदु पहला यह है, बच्चों यह दूसरा बिंदु है। तो बच्चों प्रारंभ से लेके 1 सप्ताह के अंत तक इन दोनों बिंदुओं के लिए वाई अक्ष पर जो अंतर है बच्चों यह 0 और 2 यानी 2 ऋण 0 बराबर 2 है, 2 सेंटीमीटर का अंतर है। तो बच्चों पहले सप्ताह में जो लंबाई बढ़ी यह 2 सेंटीमीटर की बढ़ी। बच्चों पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह के बीच में यह जो बिंदुकित रेखा के लिए इन दोनों बिंदुओं के लिए वाई अक्ष पर बच्चों यह 7 और बच्चों यह 2 यानी यह जो अंतर है यह 7 ऋण 2 यह 5 सेंटीमीटर का है। बच्चों इस बिंदु से दूसरे सप्ताह के बिंदु से और तीसरे सप्ताह के बिंदु की अगर हम बात करें, इसके लिए वाई अक्ष पर जो अंतर है बच्चों यह 9 ऋण 7 का है। तो बच्चों यह 2 सेंटीमीटर का अंतर है। तो यहां पर हम कह सकते हैं यह सबसे अधिक जो अंतर है यह 5 सेंटीमीटर का अंतर है, ये पौधे ए के लिए। इसका मतलब यह हो गया कि पहले और दूसरे सप्ताह के दौरान इस पौधे की लंबाई सबसे ज्यादा बड़ी है। तो बच्चों प्रश्न में पूछा गया है, किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। तो बच्चों हम कहेंगे कि दूसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी, क्योंकि हमने यह देखा कि पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह के बीच का अंतर यह सबसे ज्यादा है, 5 सेंटीमीटर का है। प्रारंभ और पहले सप्ताह का अंतर 2 सेंटीमीटर का है, दूसरे और तीसरे सप्ताह का अंतर यह 2 सेंटीमीटर का है। तो बच्चों दूसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह के बीच का अंतराल मतलब दूसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। अब बच्चों भाग एफ में पूछा गया है, किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। बच्चों पौधे बी के लिए हमने इस रेखा को देखना होगा जो कि लगातार मोटी रेखा है। पौधे बी के लिए बच्चों किस सप्ताह में यह सबसे कम बढ़ी। तो हम पौधे बी के लिए इन तीनों बिंदुओं को बच्चों चारों बिंदुओं को हम देख लेते हैं। तो बच्चों प्रारंभ से लेके सप्ताह एक इन दोनों बिंदुओं के लिए बच्चों यह वाई अक्ष पर अंतर बच्चों यह 1 होगा, 1 ऋण 0 मतलब यह 1 सेंटीमीटर का अंतर है। तो पहले सप्ताह में यह जो लंबाई बढ़ी है पौधा बी के लिए 1 सेंटीमीटर बढ़ी है, और बच्चों अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करें
यानी दूसरे सप्ताह और पहले सप्ताह के बीच के अंतर में, इस दूसरे सप्ताह में बच्चों, यह दोनों बिंदुओं के लिए वाई अक्ष पर अगर हम देखें, यह अंतर बच्चों 7-1, क्योंकि बच्चों यह बिंदु और यह बिंदु वाई अक्ष पर 7-1 को दर्शाएंगे। तो बच्चों इस अंतराल में यह लंबाई 6 सेंटीमीटर बड़ी है पौधे बी की, यानी दूसरे सप्ताह में पौधे बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर बड़ी है, और दूसरे सप्ताह और तीसरे सप्ताह के बीच में, यानी तीसरे सप्ताह में बच्चों इनके लिए यह दोनों बिंदु हमने लेने होंगे, और पौधे बी के लिए बच्चों यह दोनों बिंदु यहाँ पर इस आरेख पर लेने होंगे। तो बच्चों यह जो लंबाई इस अंतराल में बड़ी, तो यह 10-7 3 सेंटीमीटर, तो तीसरे सप्ताह में बच्चों 3 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ी। तो बच्चों पहले सप्ताह में 1 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ी, दूसरे सप्ताह में 6 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ी, तीसरे सप्ताह में 3 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ी। तो प्रश्न में पूछा गया है किस सप्ताह में सबसे कम लंबाई बढ़ी पौधे बी की, तो बच्चों भाग एफ के लिए उत्तर यह होगा, पहले सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। बच्चों भाग जी करते हैं, भाग जी में पूछा गया है क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी, पहचानिए। बच्चों इस आलेख को देखने से ज्ञात होता है कि दूसरे सप्ताह में एक बिंदु यह ऐसा है जो दोनों पौधा बी के लिए और पौधा ए के लिए जो आरेख खींचे गए हैं यह समान है। बच्चों यह बिंदु दोनों पौधा ए और पौधा बी के लिए समान है, और यह बिंदु दूसरे सप्ताह के लिए बच्चों है, तो हम कह सकते हैं कि दूसरे सप्ताह के अंत में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी। तो दूसरे सप्ताह में पौधे ए और पौधे बी की ऊंचाई समान थी। तो बच्चों प्रश्न 3 पूरा हो गया है, अब हम प्रश्न 4 करेंगे। चलिए बच्चों प्रश्न 4 करते हैं। इसमें दिया गया है निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। बच्चों यहाँ पर एक आलेख दिया गया है, इस आलेख में हम देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार यह दिन दर्शाए गए हैं, मतलब पूरा सप्ताह यहाँ पर दर्शाया गया है, यहाँ पर पूरे सप्ताह के दिनों को दर्शाया गया है, और हम देख रहे हैं कि यह 1, 2, 3, 4, 4 इकाई बराबर 1 सप्ताह, यह पैमाना लिया गया है एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर तापमान को दर्शाया गया है डिग्री सेल्सियस में, और यह बच्चों 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 2 इकाई बराबर, वाई अक्ष पर हम देख रहे हैं कि यह 2 इकाई बराबर 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि यह जो अंतराल है 10-5, 15-5, यह अंतराल 5 डिग्री सेल्सियस का है। तो 5 डिग्री सेल्सियस को बच्चों 2 इकाई दूरी से दिखाया गया है वाई अक्ष पर, और बच्चों यहाँ पर 2 रेखा आलेख दर्शाए गए हैं। एक रेखा आलेख बच्चों पूर्वानुमानित तापमान के लिए दिखाया गया है, और एक रेखा आलेख बच्चों वास्तविक तापमान के लिए दिखाया गया है। बच्चों यहाँ पर यह जो बिंदुकित रेखा है यह पूर्वानुमानित तापमान के लिए है, और बच्चों यह जो रेखा है लगातार रेखा यह वास्तविक तापमान के लिए है। बच्चों प्रश्न के भाग ए में पूछा गया है किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। बच्चों हमें यह बिंदु देखना होगा जो दोनों रेखा आलेखों के लिए समान है, उस बिंदु को बच्चों हम पहचान लेते हैं। हम यहाँ पर बच्चों एक तो बिंदु इसको देख रहे हैं, यह बिंदु है बच्चों, और बच्चों दूसरा बिंदु एक यह भी है, और बच्चों एक तीसरा बिंदु हम इस रेखा आलेख पर इस बिंदु को देख रहे हैं। यह तीनों बिंदु दोनों आलेखों को एक समान प्रतिच्छेद करते हैं, यह दोनों आलेखों के लिए समान है। तो बच्चों यहाँ पर हमें बताना है किस दिन
पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। यह तीन बिंदु हमने देख लिए हैं, दोनों रेखा आलेखों के लिए समान है, यानी कि पूर्वानुमानित और वास्तविक तापमान के लिए यह बिंदु समान हैं। अब बच्चों, इन बिंदुओं के लिए जो दिन होंगे, इस बिंदु के लिए बच्चों यह मंगलवार का दिन होगा, और बच्चों इस बिंदु के लिए यह शुक्रवार का दिन होगा, और इस अंतिम बिंदु के लिए यह रविवार का दिन होगा। तो बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया है, किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था? तो बच्चों, इसका उत्तर हम यह लिखेंगे, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। बच्चों, भाग बी में पूछा गया है, सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था? पूर्वानुमानित तापमान देखने के लिए बिंदुकित रेखा को देखेंगे। अधिकतम तापमान के लिए बच्चों इस बिंदुकित रेखा को देखेंगे, इसका शिखर कहाँ पर है? सबसे ऊंचा बिंदु बच्चों कहाँ पर है इस बिंदुकित रेखा के लिए? बच्चों यह बिंदु है। इस बिंदु के लिए जो तापमान है बच्चों, यह 35 डिग्री सेल्सियस है। तो बच्चों, भाग बी का उत्तर 35 डिग्री सेल्सियस होगा। भाग सी में पूछा गया है, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था? वास्तविक न्यूनतम के लिए बच्चों हम यह लगातार रेखा को देखेंगे, और न्यूनतम के लिए बच्चों सबसे नीचे का बिंदु हम इस रेखा के लिए देखेंगे कौन सा है? बच्चों यह हम देख रहे हैं कि बच्चों यह है, और इस बिंदु को भी हम ले सकते हैं। दोनों बिंदु एक ही सबसे निम्न स्तर पर है, सबसे निम्न ऊंचाई पर है। तो बच्चों इस बिंदु के लिए जो तापमान है यह 15 डिग्री सेल्सियस है। सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था? वास्तविक न्यूनतम तापमान बच्चों यह 15 डिग्री सेल्सियस था। भाग डी में पूछा गया है, किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था? बच्चों इसके लिए हम जो दिन है, यानी जैसे कि सोमवार का दिन है, इस सोमवार के दिन पर हम इन दोनों रेखाओं के बिंदुओं को देख लेते हैं। तो इन दोनों रेखाओं के लिए, सोमवार के लिए यह दो बिंदु हैं। इन दोनों बिंदुओं के लिए तापमान का जो अंतर है बच्चों, यह एक तो बिंदु यह 15 और 20 के बीच का है, यह बिंदु बच्चों 17.5 को दर्शाएगा, क्योंकि 20 और 15 का अंतर 5 होता है, 5 का आधा 2.5 होता है, 15 के बाद 2.5, यह 17.5 होगा। यानी यहाँ पर जो इकाई है यह 2.5 को दर्शाती है, इकाई दूरी वाई अक्ष पर 2.5 को दर्शाती है बच्चों, यह मध्य बिंदु 17.5 होगा। तो बच्चों इन दोनों बिंदुओं के लिए जो अंतर है तापमान का, यह 17.5 ऋण 15, यानी कि यह 2.5 डिग्री सेल्सियस होगा। अब बच्चों मंगलवार को हम देख रहे हैं कि दोनों बिंदु एक ही हैं, यह तापमान समान है, तो बच्चों यह अंतर 0 डिग्री सेल्सियस का है। अब हम बच्चों बुधवार के दिन हम देख रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं का अंतर वाई अक्ष पर यह 30 ऋण 25 5 डिग्री सेल्सियस का है। अब बच्चों बृहस्पति दिन के लिए, बृहस्पतिवार के लिए इन दोनों बिंदुओं का जो अंतर है यह हम ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। इस बिंदुकित रेखा के लिए, इस बिंदु के लिए बच्चों यह तापमान 20 धन 2.5 22.5 होगा, और बच्चों वास्तविक रेखा के इस बिंदु के लिए, बृहस्पतिवार वाले दिन के लिए यह तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। तो बच्चों इन दोनों बिंदुओं का जो अंतर होगा यह 22.5 ऋण 15, यह बच्चों 7.5 डिग्री सेल्सियस होगा। अब बच्चों शुक्रवार वाले दिन के लिए हम देख रहे हैं कि दोनों बिंदु एक समान है, तो बच्चों यह जो अंतर है 0 डिग्री सेल्सियस का है, तापमानों का अंतर 0 डिग्री सेल्सियस का है। बच्चों शनिवार वाले दिन के लिए हम ये दो बिंदु देख रहे हैं, इन दोनों बिंदुओं के लिए तापमानों का अंतर देख लेते हैं बच्चों। इस बिंदु के लिए यह 30 है, और इस बिंदु के लिए बच्चों 25 है, तो यह तापमानों का अंतर
30 ऋण 25 बराबर 5 डिग्री सेल्सियस होगा। अब बच्चों अंतिम बिंदु बच जाता है, यह समान बिंदु है रविवार वाले दिन के लिए, तो इसका मतलब यह अंतर बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो अधिकतम अंतर हम देख रहे हैं कि यह है 7.5, यह 7.5 डिग्री सेल्सियस है। और बच्चों यह किस दिन के लिए है, 7.5 डिग्री सेल्सियस का अंतर, यह सर्वाधिक अंतर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो अंतर है यह बृहस्पतिवार दिन के लिए है, तो हम कह सकते हैं कि बृहस्पतिवार वाले दिन वास्तविक तापमान और पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। अब बच्चों हम भाग बी सी डी के उत्तर लिख लेते हैं। तो बच्चों भाग बी का उत्तर, सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था। भाग सी, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था। भाग डी का उत्तर, बृहस्पतिवार को वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। अब बच्चों प्रश्न 4 हमने पूरा कर लिया है, अब हम प्रश्न 5 करेंगे। प्रश्न 5, निम्न तालिका का प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। बच्चों यहाँ पर तालिका दी गई है, यहाँ पर भाग ए में तालिका दी गई है और एक तालिका बच्चों भाग बी में दी गई है। यहाँ पर हमें इन तालिकाओं से रैखिक आलेख बनाना है। भाग ए में दिया गया है, विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या। बच्चों यहाँ पर तालिका में दिया गया है, एक पंक्ति में वर्ष दिए गए हैं, दूसरी पंक्ति में दिनों की संख्या दी गई है। 2003 वर्ष के लिए हिमपात के दिनों की संख्या यह 8 है, 2004 में यह दिनों की संख्या 10 है, 2005 में 5 है और 2006 में बच्चों 12 है। तो बच्चों इस तालिका के लिए हमें रैखिक आलेख बनाना होगा, तो इसके लिए हम एक्स अक्ष पर वर्ष लेंगे और वाई अक्ष पर हम दिनों की संख्या को लेंगे। अब बच्चों भाग वी में जो तालिका दी गई है, यह तालिका विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या हजारों में दी गई है। बच्चों प्रथम पंक्ति में इस तालिका में वर्ष दिए गए हैं, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, और बच्चों द्वितीय पंक्ति में पुरुषों की संख्या और तृतीय पंक्ति में स्त्रियों की संख्या को दर्शाया गया है। जैसे 2003 में पुरुषों की संख्या 12 थी और स्त्रियों की संख्या 11.3 थी, यह संख्या हजारों में है। 2004 में यह पुरुषों की और स्त्रियों की संख्या 12.5 और 11.9 थी। इसी तरह से 2005 में 13 और 13, 2006 में 13.2 और 13.6, 2007 में 13.5 और 12.8, यह हजारों में संख्या थी। अब बच्चों पहले हम भाग ए करेंगे, इसके लिए इस तालिका के लिए हम रैखिक आलेख बनाएंगे। बच्चों भाग ए की तालिका के लिए हमने एक्स अक्ष पर हमें वर्ष लेना होगा, और बच्चों यह जो वर्ष है शुरुआत कर लेते हैं बच्चों 2003 से, और यहाँ पर बच्चों हम पैमाना मान लेते हैं, एक वर्ष बराबर 2 इकाई, यानी 2 इकाई की दूरी को हम एक वर्ष मानेंगे। तो बच्चों 2 इकाई के बाद यह जो बिंदु होगा एक्स अक्ष पर, बच्चों पहला बिंदु हमने 2003 वर्ष यहाँ पर ले लिया है, और 2003 के बाद 2 इकाई दूरी पर यह बिंदु होगा, और यह बिंदु बच्चों 2004 इस वर्ष को दर्शाएगा, और 2 इकाई दूरी के बाद बच्चों एक्स अक्ष पर यह जो बिंदु है यह 2005 को दर्शाएगा। 2 इकाई दूरी के बाद बच्चों यह जो बिंदु है यह 2006 को दर्शाएगा। अब बच्चों वाई अक्ष पर दिनों की संख्या यहाँ हम दर्शा लेते हैं, तो दिनों की संख्या को हमने दर्शा लिया है। अब तालिका में अगर हम देखें, इस तालिका में बच्चों वर्ष 2003, 2004, 2005, 2006 इनको बच्चों हमने एक्स अक्ष पर ग्राफ में दर्शा लिया है,
दिनों की संख्या को हम y अक्ष पर यहाँ हमने दर्शा लिया है, और यह दिनों की संख्या बच्चों 8, 10, 5 और 12 है। तो बच्चों यहाँ पर अधिकतम जो मान है या 12 है, न्यूनतम 5 है, तो हम एक उपयुक्त पैमाना मानेंगे वाई अक्ष पर। तो बच्चों यहाँ पर हम पैमाना मान लेते हैं, यह बच्चों 0 होगा वाई अक्ष पर। इकाई दूरी को बच्चों हम मान लेते हैं कि यह दिनों की संख्या 2 है, यानी इकाई दूरी बराबर 2 दिन, यह हमने वाई अक्ष पर पैमाना मान लिया है। तो बच्चों यह बिंदु इस वाई अक्ष पर 4 को दर्शाएगा, 4 दिनों को दर्शाएगा। यह बिंदु बच्चों 6 दिनों को दर्शाएगा। बच्चों यह अगली इकाई दूरी पर जो बिंदु है वाई अक्ष पर, यह 8 को दर्शाएगा। इसी तरह से यह बिंदु बच्चों 10 को दर्शाएगा। बच्चों अगली इकाई दूरी पर यह बिंदु 12 को दर्शाएगा, और अगली इकाई दूरी पर यह बिंदु बच्चों 14 को दर्शाएगा। 14 का मतलब 14 दिन। तो वाई अक्ष पर 0 से शुरुआत होगी, 0 दिन यानी आरंभ, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन। अब बच्चों हमें रेखा आलेख के लिए बिंदु ज्ञात करने होंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 2003 इस वर्ष के लिए दिनों की संख्या 8 है। तो बच्चों 2003 यह जो बिंदु है, इससे हम ऊपर की तरफ चलेंगे, और हम इस तरह से ऊपर की तरफ चलेंगे यानी वाई अक्ष के समांतर चलेंगे, और हमें एक ऐसा प्रतिच्छेद बिंदु लेना होगा जो कि एक्स अक्ष के समांतर चलने पर वाई अक्ष पर 8 से मिलेगा। तो बच्चों यह बिंदु होगा, यह बिंदु एक्स अक्ष पर 2003 को दर्शाएगा और वाई अक्ष पर 8 को दर्शाएगा। अब बच्चों हमने अगला बिंदु वर्ष 2004 के लिए दिनों की संख्या 10, इसको लेना होगा। बच्चों यह बिंदु यह होगा, यह बिंदु स्पष्ट है कि अगर हम वाई अक्ष के समांतर चलें तो 2004 इस बिंदु को दर्शाता है, और एक्स अक्ष के समांतर बाईं ओर चलने पर यह 10 को दर्शाता है। तो 2004 वर्ष के लिए दिनों की संख्या 10 है, 2005 के लिए दिनों की संख्या 5 है। तो बच्चों हम अगला बिंदु यहाँ पर पाते हैं, क्योंकि यह जो बिंदु है, अगर हम वाई अक्ष के समांतर चलते हैं तो एक्स अक्ष पर 2005 दर्शाता है। एक्स अक्ष के समांतर बाईं ओर चलने पर यह बिंदु बच्चों 4 और 6 के मध्य में पड़ता है। 4 और 6 के मध्य का मतलब 4 × 6/2 यानी 10/2, 5। तो यह 5 दिनों को दर्शाता है। तो बच्चों यह बिंदु होगा। अगला बिंदु बच्चों 2006 के लिए होगा, यह 12 दिनों की संख्या है। तो बच्चों यह बिंदु होगा, तो यह बिंदु बच्चों एक्स अक्ष पर 2006 को दर्शाएगा और वाई अक्ष पर बच्चों यह 12 को दर्शाएगा। तो बच्चों हमें किरमागत बिंदु यहाँ पर प्राप्त हो गए हैं। किरमागत बिंदुओं को बच्चों हम मिला लेते हैं, मिलाने से हमें रैखिक आलेख प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों ऐसा हम कर लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हम बच्चों किरमागत बिंदुओं को मिला रहे हैं। पहले 2 किरमागत बिंदुओं को हमने मिला लिया है, अब अगले किरमागत बिंदुओं को हम मिला लेते हैं। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि हमें एक सीधी रेखा प्राप्त यानी रेखाखंड प्राप्त होते चले जाते हैं अगर हम 2 किरमागत बिंदुओं को मिलाते जाते हैं। और बच्चों यह जो हमें रेखाखंडों को हमने मिला लिया है, यह हमारे इस तालिका के लिए रैखिक आलेख होगा। तो बच्चों भाग ए को हमने पूरा कर लिया है। भाग ए क्या दर्शा रहा है? यह रैखिक आलेख दर्शा रहा है विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या को। अब बच्चों भाग बी करेंगे। बच्चों भाग ए में हमने पैमाना दर्शाना होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पैमाना एक्स अक्ष के लिए 1 वर्ष बराबर 2 इकाई, और बच्चों वाई अक्ष के लिए 2 दिन बराबर 1 इकाई। 1 वर्ष बराबर 2 इकाई दूरी,
दो दिन बराबर एक इकाई दूरी, यह बच्चों एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लिए पैमाना होगा। बच्चों भाग बी की तालिका को हमने पहले ही समझ लिया है, यहाँ पर हमें वर्ष एक्स अक्ष पर दिखाने होंगे और वाई अक्ष पर बच्चों हमें पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या को दर्शाना होगा। तो बच्चों एक ही ग्राफ पेपर पर हम दोनों आलेखों को दर्शाएंगे, इनके लिए एक्स अक्ष समान रहेगा और बच्चों वाई अक्ष पर पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या को हमें दर्शाना होगा। तो इस तरह से हमें दो रैखिक आलेख प्राप्त होंगे, एक रैखिक आलेख पुरुषों के लिए होगा और एक रैखिक आलेख स्त्रियों के लिए होगा। यहाँ पर पुरुषों और स्त्रियों की संख्या हजारों में दी गई है। तो बच्चों एक्स अक्ष पर हम वर्ष दर्शा लेते हैं और वाई अक्ष पर पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या को बच्चों हम दर्शा लेते हैं। बच्चों ऐसा हमने कर लिया है, अब हम एक्स अक्ष पर क्या पैमाना होगा इसको लिख लेते हैं। बच्चों वाई अक्ष के लिए हम शून्य मानेंगे और एक्स अक्ष के लिए हम मानेंगे कि 2002 से शुरुआत होती है। दो इकाई दूरी को बच्चों हम एक वर्ष मानेंगे, तो बच्चों दो इकाई दूरी पर यह बिंदु एक्स अक्ष पर 2003 वर्ष को दर्शाएगा। अगली दो इकाई दूरी पर यह बिंदु बच्चों 2004 को दर्शाएगा। अगली दो इकाई दूरी पर यह बिंदु बच्चों 2005 को दर्शाएगा। अगली दो इकाई दूरी पर बच्चों यह बिंदु 2006 को दर्शाएगा और बच्चों अगली दो इकाई दूरी पर एक्स अक्ष पर यह बिंदु 2007 वर्ष को दर्शाएगा। अब बच्चों वाई अक्ष पर हम पैमाना मान लेते हैं। बच्चों एक्स अक्ष पर हमने पैमाना माना था एक वर्ष बराबर दो इकाई, अब वाई अक्ष पर पैमाना मान लेते हैं 2000 बराबर एक इकाई। बच्चों वाई अक्ष पर पहली इकाई दूरी यह बिंदु बच्चों 2000 को दर्शाएगा और बच्चों अगला इकाई दूरी यह 4000 को दर्शाएगी, अगली इकाई दूरी यह 6000 को दर्शाएगी, अगली इकाई दूरी बच्चों यह 8000 को दर्शाएगी, इससे अगली इकाई दूरी बच्चों 10000 को दर्शाएगी, इससे अगली इकाई दूरी बच्चों यह 12000 को दर्शाएगी, इससे अगली इकाई दूरी यह 14000 को दर्शाएगी, इससे अगली इकाई दूरी बच्चों यह 16000 को दर्शाएगी। अब बच्चों वाई अक्ष पर हमने यह जो नीली रेखा हम दर्शाएंगे रैखिक आलेख में, यह पुरुषों के लिए होगी और जो लाल रेखा होगी बच्चों यह स्त्रियों के लिए होगी। तो बच्चों पहले हम पुरुषों के लिए रैखिक आलेख खींच लेते हैं। पुरुषों के लिए बच्चों हम नीली रेखा का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों तालिका में पुरुषों की संख्या वर्ष 2003 के लिए 12 है, वर्ष 2004 के लिए 12.5 है, वर्ष 2005 के लिए यह संख्या 13 है, 2006 वर्ष के लिए यह संख्या 13.2 है और 2007 इस वर्ष के लिए पुरुषों की संख्या 13.5 है। तो बच्चों पहले हम बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। पुरुषों के रैखिक आलेख को खींचने के लिए हम पहले बच्चों हम बिंदुओं को खींच लेते हैं। वर्ष 2003 के लिए पुरुषों की संख्या 12 है, तो बच्चों यह बिंदु हमें लेना होगा क्योंकि इस बिंदु के लिए बच्चों एक्स अक्ष पर 2003 बिंदु होगा और वाई अक्ष पर यह 12 होगा। पहला बिंदु हमने ज्ञात कर लिया है। 2004 वर्ष के लिए पुरुषों की संख्या 12.5 है। अब बच्चों 12.5 यह बिंदु वाई अक्ष पर कहाँ पर होगा यह हम देख लेते हैं। वाई अक्ष पर यह जो इकाई दूरी है यह 2000 को बताती है। 12.5 के लिए बच्चों यह 12 और 13 के बीच में होगा। अब 13 बिंदु बच्चों 13000 यह 12 और 14 के बीच में है, तो हमें 12 और 13 के बीच में यह जो बीच का बिंदु है बच्चों यह 13 बताएगा। इन दोनों के बीच का जो बिंदु होगा, इन दोनों के बीच का जो बिंदु होगा बच्चों यह 12.5 को बताएगा। तो बच्चों 2004 के लिए पुरुषों की संख्या 12.5 है, तो बच्चों आलेख का जो बिंदु होगा बच्चों यह होगा क्योंकि यह बिंदु एक्स अक्ष पर 2004 को बताता है,
दर्शाता है और वाई अक्ष पर बच्चों यह 12.5 को दर्शाता है। तो बच्चों दूसरा बिंदु हमें ज्ञात हो गया है। तीसरा बिंदु हम 2005 वर्ष के लिए लेंगे। 2005 वर्ष के लिए पुरुषों की संख्या बच्चों 13,000 दी गई है। तो 13,000 के लिए जो बिंदु है वाई अक्ष पर, हमने इसको पहले से ज्ञात कर रखा है। तो बच्चों 2005 के लिए रैखिक आलेख पर पुरुषों के लिए बच्चों यह बिंदु होगा, क्योंकि यह बिंदु एक्स अक्ष पर 2005 को दर्शाता है और वाई अक्ष पर बच्चों 13 को दर्शाता है। बच्चों आगे 2006 के लिए पुरुषों की संख्या 13.2 है। तो बच्चों 13 से थोड़ा सा हमें आगे बिंदु लेना होगा वाई अक्ष पर। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो बिंदु होगा, हमने इसको ले लिया है, यह बिंदु एक्स अक्ष पर 2006 को दर्शाता है और वाई अक्ष पर बच्चों 13.2 को दर्शाता है। 2007 में पुरुषों की संख्या 13.5 दी गई है। तो बच्चों वाई अक्ष पर 13.2 से ऊपर एक और बिंदु हमें लेना होगा, जो कि 13 और 14 के बिल्कुल मध्य में स्थित होगा। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं, यह बिंदु 13.5 को दर्शाएगा। तो बच्चों रैखिक आलेख के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो बिंदु होगा एक्स अक्ष पर 2007 को दर्शाता है और वाई अक्ष पर 13.5 को दर्शाता है। तो बच्चों हमने पुरुष के रैखिक आलेख के लिए सभी बिंदुओं को ज्ञात कर लिया है। अब हम बिंदु से बिंदु को मिला के रैखिक आलेख बना लेते हैं, इसको खींच लेते हैं। तो बच्चों क्रमागत बिंदुओं को हम मिला लेते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने क्रमागत बिंदुओं को मिला लिया है। अब बच्चों हम स्त्रियों के लिए रैखिक आलेख को खींचेंगे। तो तालिका में बच्चों दिया गया है 2003 में स्त्रियों की संख्या 11.3 थी, 2004 में स्त्रियों की संख्या 11.9 थी, 2005 में यह संख्या 13 थी, 2006 में यह संख्या 13.6 थी, 2007 में यह संख्या 12.8 थी। स्त्रियों के लिए रैखिक आलेख हम बच्चों लाल रंग से खींचेंगे। लाल रंग के पेन का बच्चों स्त्रियों के रैखिक आलेख को खींचने के लिए प्रयोग में लाएंगे। बच्चों तालिका में दिया गया है 2003 में स्त्रियों की संख्या 11.3 थी। तो बच्चों पहला बिंदु जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चों यह होगा, क्योंकि यह जो बिंदु है यह वाई अक्ष पर बच्चों 11 से थोड़ा ऊपर दर्शाता है। तो यह बच्चों 11 होगा। अब इससे थोड़ा ऊपर यह 11.2 यहाँ पर दर्शाएगा। तो बच्चों यह बिंदु एक्स अक्ष पर 2003 को दर्शाता है और वाई अक्ष पर 11.2 को दर्शाता है। तो पहला बिंदु हमें ज्ञात हो गया है। 2004 में स्त्रियों की संख्या 11.9 है। तो बच्चों इस बिंदु को वाई अक्ष पर हमें 12 से थोड़ा ठीक नीचे यहाँ पर दर्शाना होगा। तो यह 11.9 को दर्शाएगा। एक हमें बिंदु और प्राप्त हो गया है। यह बिंदु एक्स अक्ष पर 2004 को दर्शाता है और वाई अक्ष पर बच्चों 11.9 को दर्शाता है। इन दोनों बिंदुओं को बच्चों मिला लेते हैं। तो यह एक रेखा हमें रेखाखंड मिल गया है। अब बच्चों आगे तालिका में दिया गया है वर्ष 2005 के लिए स्त्रियों की संख्या 13 है। तो बच्चों यह जो बिंदु पहले से हमने दिखाया हुआ है, यह दोनों आलेखों में समान होगा, क्योंकि यह बिंदु वर्ष 2005 को दर्शाता है एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर 13 को दर्शाता है। तो बच्चों इन दोनों बिंदुओं को मिला लेते हैं। हमने दोनों बिंदुओं को मिला लिया है। तालिका में दिया गया है वर्ष 2006 के लिए स्त्रियों की संख्या 13.6 है। बच्चों वाई अक्ष पर 13.5 हमने पहले से दर्शाया हुआ है। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह जो बिंदु होगा, यह बिंदु बच्चों 13 और 14 के बीच में है। यह बिंदु
एक्स अक्ष पर 2006 को दर्शाता है और वाई अक्ष पर 13.5 को दर्शाता है। तो बच्चों दो क्रमागत बिंदुओं को हम मिला लेते हैं, इनको बच्चों हमने मिला लिया है। अब बच्चों 2007 के लिए स्त्रियों की संख्या 12.8 दी गई है। बच्चों 12.8 यह 13 से ठीक नीचे होगा, थोड़ा सा नीचे होगा, तो यह हम वाई अक्ष पर दर्शा लेते हैं 12.8। बच्चों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो बिंदु होगा यह एक्स अक्ष पर 2007 को दर्शाता है और वाई अक्ष पर 12.8 को दर्शाता है। तो बच्चों इन दोनों क्रमागत बिंदुओं के बीच रेखाखंड खींच लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने रैखिक आलेख पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए खींच लिया है। चलिए बच्चों प्रश्न चेक करते हैं। इसमें दिया गया है एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई हैं। बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। बच्चों पहले तो हम जो आलेख दिया गया है इसको समझ लेते हैं। इस आलेख में बच्चों एक्स अक्ष पर समय को दर्शाया गया है। यह समय बच्चों 8 बजे प्रातः से शुरू होता है। एक्स अक्ष पर 4 इकाई दूरी के बाद प्रातः 9 बजे दर्शाया गया है। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि एक्स अक्ष पर जो पैमाना माना गया है 1 घंटा बराबर 4 इकाई दूरी को माना गया है। इसके बाद बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं कि 10 बजे प्रातः, 11 बजे प्रातः, 12 बजे दोपहर, इन समय को एक्स अक्ष पर दर्शाया गया है। वाई अक्ष पर हम देख रहे हैं दूरी को किलोमीटर में दर्शाया गया है। यह दूरी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22, यह दूरी किलोमीटर में दर्शाई गई है। यानी 1 इकाई दूरी को वाई अक्ष पर 2 किलोमीटर माना गया है। तो वाई अक्ष पर जो पैमाना है यह 2 किलोमीटर बराबर 1 इकाई दूरी है। और बच्चों 8 बजे प्रातः डाकिया चलना शुरू करता है और 9 बजे तक यह चलता है। तो 8 बजे और 9 बजे 1 घंटे के अंतराल में हम देख रहे हैं कि यह वाई अक्ष पर यानी 10-0, क्योंकि शुरुआत यह वाई अक्ष पर शून्य से करेंगे, तो 10 किलोमीटर चल लेता है। अब 9 बजे के बाद यह 10 बजे तक कितना चलता है बच्चों, यह हम अंतर देखेंगे वाई अक्ष पर। तो यह 16-10 यानी 6 किलोमीटर चल लेता है। इसके बाद बच्चों एक सीधी रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, इसका मतलब वाई अक्ष पर अंतर यह शून्य है। यह अंतर 16-16 बराबर शून्य। शून्य का मतलब नहीं चलता है, वह आराम करता है, वह रुक जाता है। बच्चों यहां पर हम देख रहे हैं कि 10:30 यानी 10 और 10:30 बजे के बीच में वाई अक्ष पर यह जो अंतर होगा यह 16-16 बराबर शून्य होगा। इसका मतलब 10 बजे और 10:30 बजे, 10:30 बजे प्रातः के बीच में वो चलता नहीं है, आराम करता है, रुका रहता है। और ये 10:30 हमने कैसे ज्ञात किया है, यह 10 बजे प्रातः और 11 बजे प्रातः के बीच का बिंदु है। यह बिंदु 10:30 प्रातः को दर्शाता है। अब बच्चों 10:30 से प्रातः से यह फिर से चलना शुरू करता है। और बच्चों इस बिंदु यह बिंदु एक्स अक्ष पर क्या बताता है, यह बिंदु एक्स अक्ष पर बच्चों इस बिंदु को बताता है। और यह बिंदु बच्चों 11 और 12 बजे के बीच में है, तो 11:30 प्रातः। अब बच्चों अब हम प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं। भाग ए में पूछा गया है एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। तो बच्चों इसमें हम लिखेंगे एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए, यहां पर हम क्या को हटा देंगे, पैमाना प्रयोग किया गया है, इस प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक चिन्ह को हटा देंगे, 4 इकाई बराबर 1 घंटा। तो बच्चों भाग ए के उत्तर में हम क्या लिखेंगे,
भाग ए के उत्तर में हम लिखेंगे एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए पैमाना प्रयोग किया गया है 4 इकाई बराबर 1 घंटा। बच्चों इस उत्तर को हम लिखेंगे। भाग बी में दिया गया है उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। बच्चों इस यात्रा की हम गणना कर लेते हैं। हम इस आलेख में देख रहे हैं उसने 8 बजे प्रातः चलना शुरू किया, 9 बजे तक वो चलता रहा, उसके बाद 10 बजे तक चलता रहा, 10 से 10:30 तक वह रुका रहा, 10:30 के बाद फिर से चलना शुरू किया, 11:30 तक वो चला। बच्चों इस पूरे अंतराल की हम गणना करेंगे। तो बच्चों यह समय अंतराल 8 से 9 बजे तक का 1 घंटा, धन 9 से 10 का 1 घंटा और 10 से 11 का 1 घंटा, और बच्चों 11 से 11:30 का यह आधा घंटा। तो कुल मिला के यह 3 सही 1/2 घंटा हो जाता है। तो बच्चों भाग बी का उत्तर उसने पूरी यात्रा के लिए, बच्चों यहाँ पर कितना इसको काट देंगे, इसको नहीं लिखेंगे, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना की जगह हम लिखेंगे 3 सही 1/2 घंटा समय लिया। यहाँ पर बच्चों हम पूर्ण विराम लगाएंगे। तो उसने पूरी यात्रा के लिए 3 सही 1/2 घंटा समय लिया। बच्चों यह उत्तर होगा। भाग सी में पूछा गया है व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। बच्चों इसके लिए हमें यह देखना होगा जो वाई अक्ष है इसका जो अंतिम बिंदु है और शुरुआत का बिंदु है। बच्चों इस अंतिम बिंदु के लिए हम देख रहे हैं कि वाई अक्ष पर यह 22 दर्शाया गया है और शुरुआत के बिंदु के लिए बच्चों यह 0 दर्शाया गया है। बच्चों यह जो अंतर होगा 22 ऋण 0 यानी यह अंतर 22 किलोमीटर का होगा। तो इसका मतलब डाकिया ने जो दूरी कुल दूरी तय की है यह 22 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी 22 किलोमीटर है। तो बच्चों भाग सी का उत्तर हम यह लिखेंगे व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी, बच्चों इस कितनी को काटेंगे और इस कितनी की जगह हम 22 किलोमीटर लिखेंगे। 22 किलोमीटर है और इसके बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। तो भाग सी का उत्तर व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी 22 किलोमीटर है। भाग डी में बच्चों पूछा गया है क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। बच्चों हमने इसको पहले ही समझा हुआ है। एक बच्चों सीधी रेखा एक्स अक्ष के समांतर हम देख रहे हैं। यह रेखा बच्चों 10 बजे प्रातः और 10:30 प्रातः के समय की रेखा है, इस अंतराल के बीच की रेखा है। यह एक्स अक्ष के समांतर है, इसका मतलब वाई अक्ष के लिए यह जो अंतर है 0 है। इसका मतलब यह हो गया कि वो इस समय अंतराल में डाकिया बिल्कुल नहीं चला है, मतलब रास्ते में रुका हुआ है। क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका? हाँ डाकिया रास्ते में रुका, विवरण दीजिए। तो बच्चों हाँ प्रातः 10 बजे से प्रातः 10:30 के अंतराल में एक क्षैतिज रेखा है आलेख में, इस अंतराल में वह रुका हुआ था। तो बच्चों भाग डी का उत्तर हम लिख लेते हैं। यहां पर बच्चों क्या की जगह हाँ आएगा, हाँ डाकिया रास्ते में रुका, कहीं को काटेंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे, विवरण दीजिए। तो बच्चों विवरण यह होगा प्रातः 10 से 10:30 के अंतराल में आलेख में एक क्षैतिज रेखा है, अतः वह इस अंतराल में रुका हुआ था। भाग ई में बच्चों पूछा गया है किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। बच्चों चाल, चाल हम जानते हैं कि दूरी बटा समय होती है। बच्चों वाई अक्ष पर दूरी को दर्शाया गया है, एक्स अक्ष पर समय को दर्शाया गया है। दूरी बटा समय यह चाल होती है। बच्चों वाई अक्ष पर दूरी बटा एक्स अक्ष पर समय, इसका मतलब ढलान, ढलान जिस अंतराल में सबसे अधिक होगा चाल उस अंतराल में सबसे अधिक होगी। तो बच्चों 8 बजे और 9 बजे के बीच का ढलान अगर हम तुलना करें 9 और 10 के बीच के ढलान से, 10 और 10:30 के
ढलान से, 10:30 और 11:30 के बीच के ढलान से, तो हम पाते हैं कि 8 बजे प्रातः और 9 बजे प्रातः इसके बीच का जो ढलान है रैखिक आलेख का, यह सबसे ज्यादा है। ढलान कब ज्यादा होगा, चाल कब ज्यादा होगी, जब समान समय अंतराल में दूरी ज्यादा तय की गई होगी। बच्चों, 1 घंटे के समय अंतराल को अगर हम देखें, 8 बजे और 9 बजे के बीच में यह दूरी 10 किलोमीटर है, तो बच्चों दूरी बटा समय यह 10/1 होगा, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी। बच्चों 9 बजे और 10 बजे के बीच में देखें, तो बच्चों यह चाल, यह ढलान, यह 16 × 10 यानी 4 किलोमीटर/1 घंटा, यह चाल 4 किलोमीटर/घंटे की है। बच्चों 10 बजे और बीच में देखें, ढलान यह 0 है, वाई अक्ष पर दूरी 0 है, बटा समय कितना भी हो, यह वैसे आधा घंटे का है, तो चाल 0 किलोमीटर/आवर है, मतलब वो रुका हुआ था। बच्चों 10:30 और 11:30 इस 1 घंटे के अंतराल में उसने दूरी तय की 22/16, 6 किलोमीटर की दूरी तय की 1 किलोमीटर में, तो चाल उसकी 6 किलोमीटर/घंटे की हो गई। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर/घंटा, 4 किलोमीटर/घंटा, 0 किलोमीटर/घंटा, 6 किलोमीटर/घंटा, सबसे ज्यादा चाल कब थी, यह 10 किलोमीटर/घंटे की 8 बजे प्रातः और 9 बजे प्रातः के बीच में थी। तो प्रश्न में पूछा गया है किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। बच्चों यहाँ किसको हम काट देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 बजे, यानी यहाँ लिखेंगे प्रातः 8 बजे से 9 बजे अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। पूर्ण विराम लगाएंगे, प्रातः 8 बजे से 9 बजे अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। बच्चों यह भाग ई का उत्तर होगा। बच्चों इस प्रश्न को हमने पूरा कर लिया है। बच्चों प्रश्न 7 करते हैं, निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव है, तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। बच्चों पहले भाग 1 कर लेते हैं, यहाँ पर हमें आलेख दिया गया है समय व तापमान के बीच। समय को x अक्ष पर दर्शाया गया है और तापमान को y अक्ष पर दर्शाया गया है। तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए, क्या यह जो आलेख दिया गया है समय और तापमान के बीच, क्या यह आलेख संभव है। बच्चों भाग 1 के आलेख में हम देख रहे हैं कि समय के साथ साथ तापमान बढ़ रहा है। समय हम मान लेते हैं कि प्रातः 6 बजे से यहाँ पर दिया गया है, तो मूल बिंदु को बच्चों हम 6 बजे यहाँ पर मान लेते हैं, और आगे बच्चों 1-1 घंटे के अंतराल का यह तापमान हम मान लेते हैं दिया गया है, यह 7 बजे, यह 8 बजे, यह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, क्योंकि गर्मियों में हम जानते हैं कि सुबह यानी प्रातः से दोपहर तक तापमान यह बढ़ता है। अब बच्चों वाई अक्ष पर हम यह जो 1 है यह हमने अंतर को माना हुआ है, हम मान लेते हैं कि यह 31 डिग्री सेल्सियस है। बच्चों यह 32 है, यह 33 है, यह 34 है, यह 35 है, और बच्चों यह जो शुरुआत है वाई अक्ष पर यह मान लेते हैं 30 से शुरुआत होती है, तो बच्चों वाई अक्ष पर इकाई दूरी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस और एक्स अक्ष पर इकाई दूरी बराबर 1 घंटा, यानी 6 बजे तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था, 7 बजे 31 हो गया, 8 बजे 32 हो गया, 9 बजे प्रातः 9 बजे यह 33 हो गया, 10 बजे यह 34 हो गया, और 11 बजे बच्चों यह 35 हो गया। तो बच्चों यह जो बिंदु हैं, आप इन बिंदुओं को इस आलेख पर देख रहे हैं, रैखिक आलेख पर, यह बिंदु बताते हैं कि 6 बजे 30, 7 बजे 31, 8 बजे 32, 9 बजे 33, 10 बजे 34, 11 बजे 35, 12 बजे 36, तो यह डिग्री सेल्सियस तापमान इन समयों पर है। तो इस आलेख से पता चलता है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तापमान भी बढ़ रहा है। तो बच्चों भाग 1 का जो आलेख है यह संभव है।
क्योंकि यहाँ समय के साथ तापमान बढ़ रहा है। प्रश्न में कहा गया है तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए, और पूछा गया है क्या यह आलेख संभव है। हाँ बच्चों, भाग एक का आलेख संभव है। तो बच्चों भाग एक का आलेख संभव है, तर्क क्या होगा, क्योंकि यहाँ समय के साथ तापमान बढ़ रहा है। अब बच्चों भाग दो करते हैं। बच्चों भाग दो के आलेख में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तापमान घट रहा है। बच्चों भाग दो के आलेख में भी हम यह जो हमने उदाहरण के तौर पर समय x अक्ष पर लिया था, y अक्ष पर हमने तापमान लिया था, यह हम भाग दो में भी दिखा सकते हैं। तो बच्चों जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, हम देख रहे हैं कि तापमान घट रहा है। तो बच्चों ऐसा संभव है। बच्चों इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, सर्दियों का समय है। हम जानते हैं कि रात के समय में जैसे जैसे शाम होती है, शाम के बाद जैसे जैसे रात होती है, तो तापमान गिरता चला जाता है। दिन में तापमान थोड़ा ज्यादा होता है, तुलना करें रात के तापमान से। जैसे जैसे रात होती जाती है, शाम को अगर हम 6 बजे के बाद देखें तो तापमान में गिरावट आती जाती है समय के साथ साथ। तो ये शाम का 6 बजे हम एक्स अक्ष पर ले सकते हैं, उसके बाद 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, इस तरह से हम जैसे हमने भाग एक में लिया था, तो हम देखेंगे कि तापमान गिरता चला जाएगा। जैसे तापमान शाम के 6 बजे मान लेते हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद 7 बजे 1 डिग्री गिर गया, 8 बजे 1 डिग्री और गिर गया, तो इस तरह से तापमान गिरता चला जाएगा। इसको हम वाई अक्ष पर दिखा सकते हैं। तो बच्चों भाग दो का ग्राफ संभव है, तर्क यहां पर क्या होगा, क्योंकि यहां समय के साथ तापमान घट रहा है। तो बच्चों भाग दो के लिए उत्तर यह होगा, तर्क के लिए लिखेंगे हम क्योंकि यहां समय के साथ तापमान घट रहा है। बच्चों अब भाग तीन करते हैं। बच्चों भाग तीन में हम देख रहे हैं कि यह जो रैखिक आलेख दिखाया गया है, यह एक रेखा है जो कि वाई अक्ष के समांतर रेखा है, और यहाँ पर जो एक्स अक्ष पर बिंदु है, यह बच्चों स्थिर बिंदु है, यह कोई समय है। इस समय पर तापमान कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वाई अक्ष पर यह रेखा बढ़ती चली जा रही है। बच्चों यहाँ पर हम यह नहीं कह सकते कि इस स्थिर समय पर तापमान क्या होगा। यह तापमान जो तीर दिखाया गया है, यह ऊपर की तरफ है, यदि तापमान कुछ भी हो सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, या हम कह सकते हैं कि समय के साथ यानी उसी समय पर तापमान कुछ भी हो सकता है, या तापमान बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो बच्चों यह रैखिक आलेख संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा सामान्यतया होता नहीं है। यहां हम देख रहे हैं कि तापमान अविश्वसनीय रूप से बढ़ रहा है। तो भाग तीन का उत्तर संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ तापमान अविश्वसनीय रूप से बढ़ रहा है। बच्चों भाग चार के हम रैखिक आलेख को देख रहे हैं, यहां पर एक्स अक्ष के समांतर यह सीधी रेखा यहां पर दर्शाई गई है। इसका मतलब यह है कि समय तो बढ़ रहा है लेकिन तापमान स्थिर है। बच्चों ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है कुछ समय के लिए तापमान स्थिर हो जाए, तापमान बिल्कुल ना घटे ना बढ़े, कुछ समय के लिए इस अंतराल के लिए तापमान स्थिर हो जाए। बच्चों ऐसा संभव है। तो यह भाग चार का आलेख संभव है, क्योंकि यहाँ समय के साथ तापमान स्थिर है। तो बच्चों भाग चार का उत्तर हम यह लिखेंगे। तो बच्चों भाग चार का उत्तर संभव है, क्योंकि यहाँ समय के साथ तापमान स्थिर है, यह होगा। बच्चों तिवारी एकेडमी की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।